सैंपल्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हमें इनका यूज कर सैंपल्स ऑफ नॉन मेटल्स और मेटल्स के बीच में डिस्टिंग्यूशन क्रिएट करना है डिफ्रेंशिएट क्रिएट करना है तो क्या करेंगे बाय कनेक्टिंग अ ड्राई सेल अ बल्ब with holder and connecting wires by crocodile chips to make an electric circuit इनसे हमने क्या बना दिया सबका कनेक्शन करके इलेक्ट्रिक सर्किट बना दिया ठीक है अब इस सर्किट के अंदर हम क्या करेंगे सबसे पहले स्टेप में वी विल इंसर्ट नॉन मेटल ले लेते हैं एक हम सल्फर ठीक है और मेटल ले लेते हैं हम कॉपर ठीक है तो हमने इंसर्ट किया सल्फर को जो कि हमारा क्या है नॉन मेटल है इन क्रोकोडाइल जिप क्रोकोडाइल जिप के अंदर हमने सल्फर मेटल इंसर्ट कर दिया अब जब हम सर्किट को कंप्लीट करके ऑन करेंगे वी विल सी ऑब्जर्व दैट जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करता तो बल्ब डजेंट ग्लो अप इसका मतलब ये है कि सल्फर ने क्या नहीं किया डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट तो सल्फर ने क्या नहीं किया इलेक्ट्रिक करंट को अपने अंदर से पास नहीं करवाया जिसकी वजह से बल्ब लो नहीं हुआ ठीक है तो यहां से हमें पता लगा कि नॉन मेटल है ये और ये क्या नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करता तो नॉन मेटल डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ठीक है अब देखते सेकेंड इंफरेंस हमने क्या किया अब उसी क्रोकोडाइल चिप में अब सल्फर को हटाकर क्या किया एक मेटल रखा तो वही इंसर्ट कॉपर जो कि क्या है? हमारा मेटल है इन क्रोकोडाइल चिप वी विल सी द बल्ब विल ग्लो अप देन द बल्ब विल ग्लो दिस मीन्स क्या इंफ्लुएंस निकलता है इससे कि जो मेटल है हमारा वो क्या करते हैं कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को ठीक है तो जब भी हमें यह सब पेरिटस से लेके नीट आई आई टी जे मीन और एडवांस के लेवल था दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा होता आज डाउनलोड करें डाउट या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर